तो आज आपको पता चल ही गया होगा बोर्ड पे देखकर कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा है क्या है? घड़ी। आज हम देखेंगे कि जो टाइम होता है उसको हम कैसे देख सकते हैं। टाइम देखना सबको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपको कहीं पे जाना है टाइम पे, जैसे आपको स्कूल जाना है टाइम पे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हमारा स्कूल किस टाइम में है और हमारी घड़ी में कितने बज रहे हैं और हम किस टाइम तक स्कूल पहुंच सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे ही अगर जैसे आपका कभी कार्टून आता है टीवी में, कार्टून का टाइम होता है आने का और आपको पता ही ना चले कि टाइम क्या हो रहा है हमारी घड़ी में, हमारी वॉच में क्या टाइम हो रहा है, तो हमारा कार्टून निकल जाएगा वो। ठीक है? ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है जब टाइम का पता होना जरूरी होता है। तो आज हम सीखेंगे कि टाइम हम कैसे देख सकते हैं। सबको मालूम है कि घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? कितनी सुइयां होती हैं? तीन सुइयां होती हैं। एक तुम्हें छोटी दिखाई देती होगी, है ना, एक उससे बड़ी और एक सबसे बड़ी। हमेशा ध्यान रखिए जो छोटी सुई होती है वो काय की होती है? घंटे की। देखो इसमें जो सबसे छोटी सुई है वो काय की है? ये वाली, ये सबसे छोटी सुई, ये है हमारी घंटे की। अब इन दो सुइयों को भूल जाइए, बस ये देखनी है आपको सबसे छोटी सुई। ये जिस पे भी है, ये जिस पे भी है, जैसे दो पे है तो क्या बच गया, समझिए, दो तो बच गए। ठीक है? तीन पे आ गई तो तीन तो बच गए, तीन बच गए। अब हमें बचकर कितने मिनट, पहले घंटा फिर मिनट फिर सेकंड, अब मिनट देखना है हमें। तो मिनट कैसे देखेंगे अब हम लोग? मिनट देखने के लिए हमें क्या होना चाहिए? मिनट की सुई कौन सी होगी? मिनट की सुई होगी सबसे बड़ी वाली। सबसे छोटी घंटे की, सबसे बड़ी मिनट की। हम मिनट की सुई देखेंगे, तो मिनट की सुई देखिए, अगर आपके ये आपकी सुई आ गई 9 पे, ठीक है, या 11 पे है, या ये 1 पे है, ये समझिए। अभी हमें क्या करना है? 5 का टेबल सबको याद है। अब हमें यहां से टेबल स्टार्ट कर देनी है अपनी 5 की, ताकि 5 की टेबल 1 से स्टार्ट कर देनी। 1 को क्या समझे? 5, 5 समझे। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 5, 5, 5, 5 करके ऐसे टेबल हमारी आगे तक जो होती है ये वाली। अब हम क्या करेंगे? अब हमारी सुई जो सबसे छोटी थी वो किस पे थी? 3 पे थी। और जो सबसे बड़ी सुई है मिनट वाली वो काय पे है? 1 पे। तो अच्छा कोई बता सकता है कि कितने बच गए अब? हाँ बताइए। 3:05। हाँ क्या बच गया? 3:05। 5 मिनट कैसे बोला हमने? क्योंकि हमने क्या, एक को क्या बोला था? 1 को 5 हमें बोलना है। ठीक है? जो 1 है, जैसे 1 को 5 बोलना है, इसको 10, इसको 15, 5 5 बढ़ाते चले जाइए 60 तक। अब 3:05। सबकी समझ में आ गया? अभी हम क्या करते हैं, अभी लास्ट घड़ी में जो सुई है वो कौन सी है? बीच वाली, सेकंड। किसकी सुई है? सेकंड वाली। अब जो सेकंड वाली सुई है, अब तुम्हें इतनी बड़ी घड़ी दिखाई दे रही है, पर जो घर में घड़ी होती है उनकी जो बीच के जो पॉइंट्स होते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। अब दिखाई नहीं देते, तो अब जैसे यहां से हमें जैसे काउंटिंग की इसको, 1, 2, 3, 4, 5 पता चल गया सबको? अब मान लीजिए ये आ गई आपकी, ये आ गई यहां पे 6 पे, तो कितने बच गई है? 3:05। और 6 को क्या पढ़ा था हमने? 6 को क्या पढ़ा था? 30। क्या पढ़ा था? 30। तो 6 को जो हमने 30 पढ़ा था, तो अब क्या बच गया हमारा? 3:05:30 सेकंड। ठीक है? yes, समझ में आ गया? yes, तो जो सबसे छोटी सुई होती है वो जिस पे आ गई उतने तो बच गए, जो मिनट वाली सुई है उसको हमें 5 से हमें काउंटिंग कर देनी है, तो उसकी 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 का है ना गैप है। ठीक है? उसके बाद सेकंड वाली सुई में भी 5, 5 का ही गैप है। बट अब इसमें 5 का गैप कैसे है? जैसे अभी 3:01 हो रहा है, अब ये वाली अगर इसके बीच में आ गई कहीं पे, यहाँ पे इसके ये बीच में आ गई, तो हमें आइडिया लगाना, इतने हम टाइम देखेंगे इतने तो ये चलती रहेगी ना, ये सबसे सबसे फास्ट कौन सी सुई चलती है? सेकंड वाली सुई सबसे फास्ट चलती है ना, तो इसका हम पता ही नहीं चल सकते, जितने ही आप जल्दी टाइम देखोगे इतने आगे बढ़ता चला जाएगा ये। अब ये इसके बीच में आ गई, इतने टाइम देखोगे इतने आगे पहुंच जाएगी, तो ये आइडिया आप लगा सकते हैं दूर से कि इतने सेकंड हो गए। मेन कौन सी सुई होती है? 2 ही सुई होती है, एक सबसे छोटी और एक सबसे बड़ी, एक घंटे की सुई और एक मिनट की सुई। अच्छा अभी मैं किसी से पूछ के देखूं कि उसको टाइम, आपको सबको आ गया ना टाइम देखना, तो अभी मैं पूछ के देखता हूँ।
ठीक है। तो अभी यहाँ पे आइए, कोई सा कोई बच्चा आइए यहाँ पे। हाय प्रिया आइए। अभी मुझे आपको 5:10 और 55 सेकंड करने हैं, तो आप करके दिखाइए। 5:10 और 55 सेकंड। बहुत सही है ना। बड़ी सुई किस पे आई हमारी? 2 पे। जो मिनट की सुई है वो किस पे है? 2 पे। और जो छोड़ दो, और जो जो हमारी छोटी सुई है वो किस पे आई? 5 पे। वो 5 पे। और जो बड़ी वाली सुई है वो इस किस पे है? 11 पे। ये जो ई कौन सी सुई है? सेकंड वाली, जो बीच वाली सुई है, तो वो इस पे। अच्छा, कोई और बच्चा आएगा? आइए कैटिंग कीजिए प्रिया के लिए। बहुत अच्छा। नेक्स्ट कोई आइए, शिवम, शाबाश। अभी भाई मेरे को आप स्कूल का टाइम क्या है हमारा? अभी 7:30। तो आप मुझे बता देंगे 7:30 कैसे बजेंगे, मतलब 7:30 कैसे होंगे? ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई, हाँ ये वाली मिनट की सुई है, 7:30। आराम से धीरे से, ये सेकंड की सुई है और ये मिनट की है, इस पर लिखा हुआ है बेटा। हाँ ये क्या है? सेकंड की सुई कहाँ पे है? 2 पे। क्यों होगी? क्या इन्होंने 7:30 सही बजा दिए? नहीं बजाए ना। कहाँ पे होगी ये? हाँ, तो अभी क्या टाइम हुआ पूरा? 7:30। छोटी सुई 7 पे, घंटे वाली, मिनट वाली 6 पे, और सेकंड वाली 12 पे। अभी क्या बच गया हमारा? ये 7:30। समझ में आई? क्लैपिंग कीजिए। अब सबको टाइम देखना आ गया ना, ठीक है? दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा? कभी भी आप टाइम बता सकते हो किसी को भी, है ना। जो बच्चे घड़ी पहनते हैं वो अपनी वॉच में टाइम देखना आता होगा उनको, ठीक है। पर जो नहीं पहनते तो वो अपनी यहाँ से बता सकते हैं। अपने क्लास में भी लगी हुई है, ऑफिस में भी लगी हुई है, घर पे भी लगी हुई होती है। अगर कोई टाइम पूछे तो आप एकदम बता दोगे कि जी इतने बज गए, ठीक है। यस।